أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मुहर्रम के सिलसिले में हमारे प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये बयान के शस्त्र प्रदर्शन के ऊपर पाबंदी है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरम फैलाया जा रहा था और गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी बहुत शरारती लोगों की तरफ से कि उन्हीं ने जुलूसों में कमर के मातम पर और जंजीर के मातम पर पाबंदी लगा दी। आज 4:30 बजे हमने उनके घर के ऊपर उनसे मुलाकात की और उनसे इस बारे में हमने दरियाफ़ किया, तो उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो रिवायती तौर पर होता चला आया वो होगा, हमने नई बात की जो है उस पर पाबंदी लगाई कि कोई नई बात ना होना चाहिए और खामखा का प्रदर्शन ना होना चाहिए। और जो परंपरागत तौर पर रिवायती तौर के ऊपर के जो कमा और जंजीरों के मातम होते आए हैं जुलूसों पर उस पर कोई पाबंदी नहीं, उन्हें साफ लफ्ज़ों में बताया कि उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और हमने कहा कि इस तमाम चीज़ों का आप जो बड़े बड़े अफसरान उन तक भी पहुँचा दीजिए ताकि उनकी तरफ से भी कोई गड़बड़ी ना हो, तो उन्हें कहा हम उनसे भी कह देंगे कि इस ना कमा नदी पर कोई रोक है और ना जंजीर नदी पर कोई रोक है, क्योंकि ये सदियों से और सैकड़ों साल से ये चीज़ होती चली आ रही है। इसी तरह से हमने उनसे कहा कि जो सपा के ज़माने में काले झंडों पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसको भी आप देखिए क्योंकि पुरानी रवायत क्या रही है, तो उनका भी हम भी पुरानी रवायत देख कर उस सिलसिले भी हम आदेश अफसरों को दे देंगे। तो लिहाजा बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई उससे बहुत, और जो लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया था बाद शरारती लोगों के ये अफवाह फैलाने से कि साहब जुलूसों में कमरदनी पर और उस पर पाबंदी है, तो बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह दिया उन्होंने कि ऐसी कोई पाबंदी न कमरदनी पर है और न ही जंजीर के मातम के ऊपर है, बल्कि जैसा होता आया है जुलूसों में वैसे ही होगा। इसमें हम जनाब अमीर शमसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी उन्हीं ने भी इस सिलसिले में पूरी मदद की हमारी, और हमारे अली दहरी साहब सदर वक्फ बोर्ड वो भी मौजूद थे, शमीर शमसी साहब भी मौजूद थे और तमाम लोगों के दरमियान ये तमाम पूरी बातें कही। हम योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हीं ने हमारे जितने भी भ्रम जो पैदा किए जा रहे थे उनको बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनके शुक्रगुजार हैं।